सब्जाजात में नीम पाकल नौजवान की हलाकत, पुलिस का अनोखा कारनामा। फायरिंग करने वाले एहलकार के बजाय मकतूल के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर डाला। जख्मी डॉल्फिन एहलकार की मुदैयत में मकतूल उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इकदाम कत्ल समेत दीगर दफा शामिल। पुलिस ने मकतूल के वालिद एजाज की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई ही न की। मकतूल उमर का तहाल पोस्टमार्टम न हो सका, वाकये की तहकीकात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस हुकाम मकतूल के लवाहकीन पर तशद्दुद की नई फुटेज मंजरेआम पर। फुटेज में एसएसपी इकबाल टाउन को मकतूल के चाचा को ठुड्डे मारते हुए देखा जा सकता है। एहतजाज और धरने में तोड़फोड़, शरपसंद अनासर के खिलाफ घेरा तंग। बाबू साबू चौक में तोड़फोड़ करने पर इकबाल टाउन पुलिस ने 35 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। थाना शेरकोट में 27 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्लीन लाहौर ऑपरेशन जारी, सफाई अमला सफाई सुथराई में मसरूफ। शहर भर से 10,000 टन कूड़ा उठा लिया गया। वजीर बल्दियात ने सफाई ऑपरेशन के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। रायवंड में सालाना तबलीगी इज्तमा का पहला मरहला एहतिताम पजीर, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। उलमाए कराम ने शरका को अमन, भाईचारे और अखुवत का दर्स दिया। भारत से आए आलिम दीन मौलाना इब्राहिम ने एहतितामी दुआ कराई। रिक्कत अमीज मनासिर, अहले ईमान खुदा के हजूर गिड़गिड़ाए, उसकी रहमत के तलबगार नजर आए। इज्तमा से काफिलों की वापसी, खैमा बस्ती की जानिब से जाने वाली तमाम राबता सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद। बांगा रोड, सुंदर रोड, कोट राधा कृष्ण रोड पर यकतरफा ट्रैफिक चलाई जाने लगी। सीटीओ का दौरा, ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया। रायवंड इज्तमा के दूसरे मरहले का आगाज जुमेरात से होगा। इतवार बाजारों में सब्जियां महंगी, अदरक 190 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शिमला में 85 रुपए, करेले 53 रुपए, लहसुन 100 रुपए किलो पर फरोख्त। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद का वादत कॉलोनी और शादमान इतवार बाजार का दौरा, कीमतों का जायजा लिया। सब्जियों का मायार अच्छा है, रेट लिस्ट भी आवेजा है, डिप्टी कमिश्नर। जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 1300 कैनाल अरासी पर काश सब्जियां हल चला कर तलब। गंदे पानी से सराब की गई सब्जियां मूसी अमराज का बाइस बनती हैं, डीजी फूड अथॉरिटी। वासा डिस्पोजल का पानी फसलों को फराहम करने का मामला, एमडी वासा सैयद जाहिर अजीज का नोटिस, कमेटी तश्कील। यासीन रोड डिस्पोजल शाहतरा से पानी खेतों को फराहम किया जा रहा था, इंक्वायरी कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट देगी। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। तहरीके लब्बैक इस्लाम का दाता दरबार के सामने धरना खत्म, 4 रोज बाद दाता दरबार चौक पर भी ट्रैफिक बहाल। पीर मक्की चौक और दाता दरबार चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, मेट्रो बस रूट मुकम्मल तौर पर बहाल। अमन अमान के पेश नजर मेट्रो रूट को गजुमता से एमए कॉलेज तक महदूद किया गया था। सर्दी की लहर आते ही लंडा बाजार सज गया, शहरी स्वेटर जर्सी जैकेट्स और गर्म चादरें खरीदने में मसरूफ। सर्दी से बचने के लिए घरों में गर्म कपड़े निकाल लिए गए। एक्सपो सेंटर में डिजिटल प्रिंटिंग एक्सपो का दूसरा रोज, 25 से ज्यादा ममालिक की कंपनीज ने अपनी मसूआत के स्टॉल्स लगाए। टेक्सटाइल से वाबस्ता अफराद की नुमाइश में गहरी दिलचस्पी। कायदे आजम ट्रॉफी, वापटा और हबीब बैंक की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबल। वापटा का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला, उमर गुल, उमर अकमल, इमामुल हक, सलमान बट, कामरान अकमल, मोहम्मद इरफान और वहाब रियाज इन एक्शन।